बेटा देखना ये ड्रेस ठीक लग रही है। हाँ मम्मा परफेक्ट है, अब जल्दी करो मूवी देखने भी जाना है। लो इसे मूवी की पड़ी है। हाय मैं हूँ शिवाली और ये है मेरा व्लॉग श्रीमती व्लॉगर। मैं अपने छोटे से परिवार के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति देव हैं, बिटिया है और सासू माँ है। आज का मेरा टॉपिक है थोड़ा कम। ये थोड़ा कम क्या है ये बताने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, अचार की कहानी। बरेली से जब भी कोई दिल्ली आता है माँ का अचार मेरे घर पहुंच जाता है और जब भी माँ का प्यार भरा अचार मिले तो खाने के स्वाद में अजब सी मिठास आ जाती है। अरे शिवी जल्दी टिफिन दो, लेट हो रहा हूँ मैं। अरे आजकल हमेशा जल्दी में रहते हो, नाश्ता तो करके जाओ कम से कम। अरे नहीं यार आज मीटिंग है जल्दी जाना है। अरे पर रुको रुको जूस तो पीकर जाओ कम से कम। अरे बहुत लेट हो रहा है। हाँ दे रही हूँ एक मिनट, ये लो। बाय। अरे मैं तो अपने आप को बहुत ही आदर्श गृहिणी समझती थी और सब फ्रेंड्स भी यही कहते थे कि शिवाली तेरा किचन तो बहुत हेल्दी है। फिर भी पति को प्रॉब्लम हो गई। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पति का बीपी हाई हो गया था, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था। मुझे तो बहुत चिंता हो गई थी। फिर मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिली और आपको पता है इस बीमारी की सबसे बड़ी जड़ मैं खुद निकली। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या गलत कर रहे हैं। जब मैंने न्यूट्रिशनिस्ट को हमारी डेली डाइट के बारे में बताया तो सबसे बड़ा दुश्मन निकला ये अचार, मेरी प्यारी माँ का अचार। मैं तो इसे रोज खाती थी, सबको खिलाती थी। और क्यों नहीं, हमने तो बचपन से सुना है कि अचार डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और फिर माँ बहुत प्यार से भेजती हैं और हम बहुत प्यार से खा लेते हैं। आपको अचार खाना है तो खाओ पर थोड़ा लिमिट में। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग नमक तेल और चीनी कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं, इसलिए इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ गए हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम्स। मैंने तो अपने खाने में नमक तेल और चीनी धीरे धीरे कम कर दिए हैं और सच कहूँ फर्क भी पड़ा है। छोटे छोटे चेंजेस ही किए थे मैंने, जैसे पहले मैं सैलेड और फ्रूट्स में ऊपर से नमक डालकर खाया करती थी, दही में भी चीनी या नमक मिलाया करती थी, पर अब ये सब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। एक और बात ये थी कि खाने में नमक डालने के लिए चम्मच भी अब मैंने ये छोटा ले लिया है। ये चम्मच खुद ही दिमाग की बत्ती जला देता है कि भाई थोड़ा संभाल संभाल के डालो। एक्चुअली ये जो तेल, चीनी और नमक है ना, ये सबसे बड़े विलेन हैं। इन्हें कम करने के टिप्स आपको ईट राइट इंडिया के वेबसाइट पर मिलेंगे। लॉग इन करना है www.eatrightindia.gov.in पर और जहां ईट हेल्दी लिखा है वहां सारे टिप्स आपको मिल जाएंगे। मैंने तो इन्हीं टिप्स को फॉलो किया और अब राजीव की हेल्थ, उनका कोलेस्ट्रॉल, उनका बीपी सब कंट्रोल में है और बिटिया वो भी ज्यादा फिट रहने लगी है। आप लोगों से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। मम्मी जी की चाय का टाइम हो गया है, मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। अब ये जो मेरा थोड़ा कम का जोश है ना, इसी वीडियो की वजह से है। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ, दिमाग मनाता है। कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खाई ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है, खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है।
आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। ये लीजिए, मम्मी जी की चाय तैयार हो गई है, पर अब बीमारी के डर से चीनी कम कर दी है। सेहत के लिए हम कोशिश करके आधा चम्मच चीनी तो कम कर ही सकते हैं। मैं मम्मी जी को चाय देकर आती हूँ। जो मैंने सीखा आप लोगों के साथ शेयर करने में मजा आ रहा है। वैसे सच कहूँ तो गलतियां मैंने बहुत सारी की थी, उनमें से एक जैसे सुबह की शुरुआत फ्रूट जूस से कर ली। फ्रूट्स का फुल फायदा तभी होगा जब हम ताजे फल खाएंगे। मुझे ये बात मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने ही बताई है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप भी सुन लीजिए। हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। सीधे और आसान शब्दों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़। तो ये सारी चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं और ये हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करें। तो सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव जो मैकेनिज़्म है या मेथड है वो है कि अपनी डाइट में आप एक तो चीनी थोड़ी कम करें, दूसरा थोड़ा नमक कम करें और तीसरा ऑयल का कंजम्पशन कम करें। तो चीनी तो एक्चुअली हमारी डाइट में हम इतनी खाते हैं और आप ताज्जुब करेंगे कि हर चीज़ में चीनी है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं बाहर, उसमें चीनी है। हम जब कोई डेजर्ट्स बनाते हैं, कोई स्वीट डिश बनाते हैं, उसमें खूब चीनी डालते हैं। और इतनी सारी चीनी से हमारा इंसुलिन डिसऑर्डर शुरू हो जाता है और इंसुलिन डिसऑर्डर से ओबेसिटी, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं। दूसरी तरफ है नमक। वैसे तो इंसान को बहुत कम नमक ज़रूरत होता है, हार्डली इतनी चुटकी भर नमक, मगर हम खाते हैं बहुत ज़्यादा है। और कैसे, सब्जियों में चाहे हम बहुत ज़्यादा नमक ना खाएं, मगर जो फास्ट फूड हम खाते हैं, जो स्नैक्स यानी पैकेज्ड फूड हम खाते हैं, उसमें नमक होता है। और कई तरह की फ्राइड फूड्स यानी स्नैक्स में भी बहुत नमक होता है। और तीसरी चीज़ आपको पता ही है, हम ऑयल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो जो अचार हमारे खाने में होता है वो एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरीके से जो हम फ्राइड चीज़ें इतनी खाते हैं और रोज़ खाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आज से आप संकल्प करें कि थोड़ा नमक कम, थोड़ी चीनी कम और थोड़ा तेल कम अपनी डाइट में। इनकी बातों को याद रखिएगा। वैसे ये सब मैंने अपने किचन में इम्प्लीमेंट भी किया है और इसके फ़ायदे खुद फील भी किए हैं। पतिदेव की कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम सब खत्म और इन जनरल हम सब ज़्यादा तंदुरुस्त भी फील करने लगे हैं। ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी, पर अभी के लिए साइन आउट कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक्स बढ़ेंगे तो अच्छा अच्छा लगेगा ना, और ऐसा लगेगा कि घर बैठे बैठे मैंने कुछ कंस्ट्रक्टिव किया है। सो प्लीज़ लाइक, बाय बाय, सी यू। पर हाँ, जाने से पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर से। तेज नमक, चीनी और ज़्यादा तेल वाली चीज़ों को कम खाएं, जैसे कि अचार, केक, फ्राइड स्नैक्स, मिठाइयाँ, मीठे बेवरेजेस, सैलड्स, फ्रूट्स और दही में ऊपर से नमक या चीनी ना डालने की कोशिश करें। आटा गूंथते वक्त और चावल पकाते वक्त उसमें नमक ना डालें। खाना बनाते वक्त नमक, चीनी और तेल के लिए एक छोटा मेजरिंग स्पून यूज़ करें। हर महीने एक फिक्स्ड मात्रा में नमक, चीनी और तेल खरीदें। ताज़े फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। मटन के बदले चिकन या फिश खाएं। वनस्पति या मार्जरीन के बदले वेजिटेबल ऑयल्स या घी यूज़ करें।